क्षेत्र के अंदर इतनी चिलचिलाती धूप में खुले सर आप लोग बैठे हो, यही बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार असम विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मित्रों, मैं आज यहां पर 5 साल पहले के असम की बात करने आया हूं। 5 साल पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन था, किस प्रकार का असम था? आंदोलन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिनों तक कर्फ्यू था, आतंकवाद ने अपनी सीमाएं लांग दी थी, सारे आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे थे और असम में विकास का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। आपने मेरे बहनों भाइयों, आपने 5 साल दिया, 5 साल के अंदर आज असम विकास के रास्ते पर चल पड़े और 24,000 गरीबों को धोमाजी में 24,000 गरीबों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। 39,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है, 40,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं तो भुवन को कहता हूं, भैया विधायक रहते हुए इतना काम कैसे करा लेते हो, हमें भी जरा सिखाओ तो हमारे क्षेत्र में हमारा भी भला हो जाएगा। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रत्याशी को फिर से लेकर आई है जिसको आपने जिताकर गुवाहाटी में कर दिया। और एक और, मोदी जी ने असम का इतना विकास किया, सर्वानंद हेमंत शर्मा ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया, सभी जनजातियों को छोड़ने का काम किया, सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस अजमल के साथ आ रही है, अजमल के साथ